नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। सुरकरी हेडलाइन से होलिका दहन के दिन सांसद सबके पुतला दहन करवाक मधेसी मोर्चा के निर्णय, चैत के अंतिम में फिर से आंदोलन हैत सद्भावना के साथ अध्यक्ष कर्ण के कहब। नेपाल आयल बिहारक मुख्यमंत्री नीतीश द्वारा मधेस आंदोलन आ नाकाबंदी के विषय में बातचीत, प्रचंड से कैलन भेंट। नेपाली कांग्रेसक महाधिवेशनक तैयारी पूरा भेल, पार्टी के कहब काल से काठमांडू कांग्रेस में। कोषाध्यक्ष खाली राख, पौडेल पैनल घोषणा, सत्संग कोइराला महामंत्री के उम्मीदवार। आ इंडोनेशिया में 7.9 रेक्टर स्केल के महाभूकंप, सुनामी के चेतावनी। संविधान विरुद्ध आंदोलनरत संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा आंदोलन के थप कार्यक्रम सार्वजनिक कैलक। मोर्चा के केंद्रीय सचिवालय के बुध दिन बैसल बैसार से होलिका दहन के दिन सांसद सबके सामूहिक पुतला दहन लगाए के कार्यक्रम करवाक निर्णय कैलक। तहिना आगामी 5 चैत में मधेस के जिला सब में विरोध सभा करवाक आ 1 घंटा धरि मधेस आंदोलन के नारा सब लगेबाक मोर्चा जनौने अछि, जेकरा मोर्चा हल्ला बोल कार्यक्रम के संज्ञा देने अछि। कैलाली, मोहतरी, धनुषा, सिरहा, रूपनदेही लगायत के जिला सब में दोपहर 1 बजे से सरकार विरुद्ध प्रदर्शन करवाक मोर्चा द्वारा सार्वजनिक आंदोलन के कार्यक्रम में उल्लेख है। यह 25 फागुन से चैत 1 गत्ते धरि हरेक जिला में क्षेत्रीय स्तर में सभा करवाक, अंतरक्रिया कार्यक्रम, कोण सभा लगायत के कार्यक्रम सब सेहो करवाक मोर्चा के विज्ञप्ति में उल्लेख है। ऐसे मधेस आंदोलन में जागरण पैदा होयत आ समर्थन भेटत मोर्चा के विश्वास है। तहिना के न्याय परिषद सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश नियुक्ति के लिए केने सिफारिश में समावेशी नहीं कल गेल कहित ओकरा रद्द कर मधेसी मोर्चा चेतावनी दिलक है। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा 2 दिन धरि चलल सचिवालय के बैसार से संघर्ष के आगामी कार्यक्रम सब तय कैलक। बैसार से सर्वोच्च अदालत के न्याय परिषद से कल गेल न्यायाधीश नियुक्ति के सिफारिश समानुपातिक समावेशी सिद्धांत बमोजिम नहीं भेल कहित आलोचना समेत कैलक। सद्भावना पार्टीक सह अध्यक्ष लक्ष्मण लाल कर्ण चैत के अंतिम सप्ताह से फिर से आंदोलन होयबाक बतौने छथि। मधेसी मोर्चा के आंदोलन समाप्त नहीं भेल, आंदोलन के आगामी कार्यक्रम के भरपूर तैयारी भ रहल हुनक कहब छलनि। चलेश्वर में आयोजना होबय वाला पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में सहभागी होबय जाय के क्रम में जनकपुर विमानस्थल आबि गेल नेता कर्ण। अपन टीवी संग बातचीत करैत मधेसी मोर्चा के अगुवाई में भेल ऐतिहासिक आंदोलन समाप्त भेल हल्ला निराधार रहल, आगामी आंदोलन के संपूर्ण तैयारी भ रहल दावी कलनि। आंदोलन के कार्यक्रम तय भ रहल छे, शुरुआत में किछ जन जागरण कार्यक्रम छे, ओई के बाद जे छे फिर से चैत के लास्ट से हम सब जै तरह से विगत के आंदोलन करने रही तही तरह के आंदोलन फिर शुरुआत। ओ मोर्चा भीतर एखन रहल 7 पार्टी के सहभागिता में कार्यल दल समेत बन गेल बतौलन। मोर्चा कार्यदल के बृहस्पति दिन बैसा वाला बैसार से परिवर्तन भेल आंदोलन के स्वरूप निर्माण तथा आगामी कार्यक्रम के संबंध में नीति निर्णय करवाक हुना कहब छलन। अखन जे 7 पार्टी के मोर्चा छे ते मोर्चा अंतर्गत अखन एक कार्यदल बनल छे, काल से ओकर बैठक भ रहल छे और आंदोलन के स्वरूप जे परिवर्तन हम सब केने रही ते स्वरूप कई तरह से निर्माण हेतै तकर तैयारी भ रहल छे। करीब 5 दर्जन के शहादत आ 6 महीना के ऐतिहासिक आंदोलन बिना उपलब्धि केना समाप्त हाथ कहित ओ कहलनि। मधेसी जनता अभाव आ शक्ति संचय करक लेल आंदोलन किछ नरम बनाओल गेल अछि, अधिकार प्राप्ति के लेल निर्णायक आंदोलन जारी रहत हुनक कहब छलनि। एम्हर सद्भावना पार्टीक सह अध्यक्ष लक्ष्मण लाल कर्ण के प्रमुख आतिथ्य में महतरी के जलेश्वर में एकटा समारोह के बीच एमाले, नेपाली कांग्रेस आ माओवादी पार्टी परित्याग कर दर्जनों व्यक्ति सबके सद्भावना पार्टी में नेता लक्ष्मण लाल कर्ण अबीर आ माला लगा कर पार्टी प्रवेश करौने अछि। भारत के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काठमांडू आबि गेल छथि। नेपाली कांग्रेस के 13वां महाधिवेशन के उद्घाटन समारोह में भाग लेबा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुध दिन काठमांडू आयल छथि। नीतीश कुमार के नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य प्रदीप गिरी त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में स्वागत करय पहुँचल छल। नीतीश कुमार विमानस्थल में उतरल किछ देर में वीपी पुत्र शशांक कोइराला के महाराजगंज स्थित निवास पहुँच कर नेपाली कांग्रेस के सभापति स्वर्गीय सुशील कोइराला प्रति श्रद्धांजलि अर्पण कयने छल। ओ बुध दिने राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, एकीकृत नेकपा माओवादी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत संग भेंटवार्ता करके सेहो
कार्यक्रम छल। ताई बमोजिम नेपाली कंग्रेस के महाधिवेशन में सहभागी होबा आयल नीतीश कुमार मधेश आंदोलन के विषय में प्रचंड समक्ष जिज्ञासा रखलक। बिहार आ नेपाल के सीमाना में होबा वाला बाढ़ के समस्या समाधान के विषय में से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेपाली नेता सब संग छलफल कने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बृहस्पति दिन शुरू होबा वाला नेपाली कंग्रेस के महाधिवेशन में आतिथ्य ग्रहण कर काठमांडू आयल। काठमांडू आयल दिन वो शशांक कोइराला के निवास में पहुँच कर सुशील कोइराला प्रति बात श्रद्धांजलि अर्पण कने। नीतीश एमाओवादी अध्यक्ष प्रचंड संग 45 मिनट बातचीत कने से प्रचंड के सचिवालय बतौलक। भेटघाट में नीतीश मधेश आंदोलन के विषय में प्रचंड संग जिज्ञासा रखने। भेट के क्रम में वो नेपाल में संविधान कार्यान्वयन आ मधेश में भ रहा आंदोलन के विषय में जिज्ञासा रखने प्रचंड सचिवालय जनौलक। प्रचंड नेपाल सरकार एखन संविधान कार्यान्वयन के क्रम अगाड़ी बढ़ौने आ मधेशी मोर्चा के मूलभूत मांग सब समाधान भेल नीतीश के जवाब देने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रचंड के नेतृत्व में शांति प्रक्रिया आ संविधान निर्माण संभव भेल कहित तराई मधेश के समस्या समाधान कर आ संविधान कार्यान्वयन प्रति प्रचंड के नेतृत्व में सम्पन्न हैत से विश्वास व्यक्त कने। नीतीश नेपाल आ भारत दू देश बीच के संबंध के साथे बिहार आ नेपाली सीमा के जिला सब में होबय वाला बाढ़ के समस्या के विषय में से दुनू देश मिलकर समाधान खोज प्रभाग प्रचंड के कहने। मुख्यमंत्री नीतीश प्रचंड के 4 बजे उनके निवास लाजिमपाट में पहुँच कर भेंटवार्ता कने। लाजिमपाट से वो सीधे राष्ट्रपति विद्या भंडारी संग भेंट करे के लिए शीतल निवास पहुँचल छलन। राष्ट्रपति पश्चात प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सेहो भेंटघाट करे के कार्यक्रम नीतीश के सूची में है। नेपाली नेता सब के भेंट में भारतीय राजदूत रंजीत रे सेहो नीतीश के साथ में सहभागी भेल छला। नेपाली कांग्रेस 13 महाधिवेशन के संपूर्ण तैयारी पूरा भेल बतौलक। कांग्रेस बुध दिन पार्टी मुख्यालय में पत्रकार सम्मेलन का मंच व्यवस्थापन उद्घाटन सत्र बंद सत्र आवास भोजन लगायत के सब तैयारी पूरा भेल दावी कलक। महाधिवेशन के तैयारी के विषय में जानकारी कराब के क्रम में सभापति के प्रत्याशी रहल कार्यवाहक सभापति रामचंद्र पौड़ेल वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा आ महामंत्री कृष्ण प्रसाद सिटौला संविधान के भावना अनुसार पार्टी में रूपांतरण आवश्यक रहल बतौलन। कार्यवाहक सभापति पौडेल कांग्रेस समक्ष अपन नेतृत्व में जारी भेल संविधान के कार्यान्वयन कर प्रभाग आ पार्टी के रूपांतरण कर प्रभाग दोहरा चुनौती रहल बतौने। राष्ट्र में विद्यमान समस्या राष्ट्र ने भोगिरहेको संकट को सामना गर्नुपर्ने कांग्रेस को दायित्व अर्को आफ्नै पार्टीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने दायित्व आफैलाई चाहिँ नि रूपांतरित गर्नुपर्ने दायित्व आफैलाई परिवर्तन गराउनु पर्ने दायित्व र परिवर्तन को नेतृत्व गर्नको लागि आफै परिवर्तित हुनुपर्ने दायित्व नेपाली कांग्रेसको छ। त्यसो भएको उनीहरूले दोहोरो जिम्मेवारी बोकेर यो महाधिवेशन आएको छ र यो महाधिवेशनले तदनुकूलको नेतृत्व यो महाधिवेशनले तदनुकूलको नीति निर्वाह गरेर चाहिँ नि सम्पन्न हुनुपर्ने छ। कार्यवाहक सभापति पौडेल महाधिवेशन के तैयारी में व्यस्त होबय पड़ला से तथा शीर्ष नेता सब बीच के विवाद के कारण पार्टी के विधान संशोधन होबय नहीं सकल रहितो महाधिवेशन लगते संविधान के भावना अनुसार समावेशी सिद्धांत अनुसार विधान संशोधन करवाक बदावी कलन। 13 महाधिवेशन संपन्न करने की हम यो विधान में परिवर्तन करने भाई अप्ठारो परिस्थिति सृजना भारत पार्टी भित्र जल्ले में हमें संविधान अनुसार विधान परिवर्तन करना सकता छैन। तर म तपाईहरुलाई चाहिँ के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने यो अधिवेशन सम्पन्न हुने बित्तिकै यो चाहिँ नि संविधानले जुन परिवर्तन ल्याएको छ संविधानले महिलालाई दलितलाई जनजातिलाई जो चाहिँ नि के अरे अधिकारहरु सुनिश्चित गरेको छ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ त्यसलाई सुनिश्चित हुने गरिकन हाम्रो पार्टीको विधान पनि हामी परिवर्तन गर्दैछौँ। वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा संविधान के सफल कार्यान्वयन तथा पार्टी में समावेशीकरण चुनौती के रूप में रहल कहित महाधिवेशन पश्चात कांग्रेस सीमांकन के विवाद निष्कर्ष लगाव निर्णायक भूमिका खेलबाक बतौलन। समावेशी राज्य प्रणाली में चाहिँ अगाडि बढाउनु छ यो देश सबैले चाहिँ नि भागीदार भएको देशको चाहिँ नि राज्य सत्तामा महसुस गराउनु हाम्रो पार्टीलाई पनि त्यस्तो भागीदारी सबैलाई दिनुपर्ने हुन्छ। जो जति समस्या उठेका छन् अहिले त्यसको समाधान गर्नु पनि जरुरी छ। त्यसैले सीमाङ्कन लगायतका मुद्दाहरू मैले यसमा त्यो मुद्दालाई हाम्रो पार्टी पुरा गरेर छोडिसकेपछि पछाडि पत्रकार सम्मेलन में सभापति के दोसर प्रत्याशी रहल महामंत्री कृष्ण प्रसाद सिटौला महाधिवेशन पश्चात पार्टी एक भक मजबूत होबाक दावे कलन। ओ निर्वाचन के लोकतांत्रिक अभ्यास कहित जे परिणाम आतो सभी के जीत होबाक आ निर्वाचन के परिणाम के सहज रूप में स्वीकार कर जीतवला सब
हारावाला सबके समेत समेट के अगाड़ी बढ़ा प्रभाव बतौलन। परिणाम जो निर्वाचित हो परिणाम सहज ढंग ने हम सब स्वीकार पार्टी भी बृहत एकता निर्माण कर हम अगड़ी जो महाधिवेशन हम कोई हार्दन नेपाली कांग्रेस तमाम कार्यकर्ता ने विजय हासिल करद जो जित्द उसके सब समेट अगड़ी जान विगत में सुशीला ने उदाहरण प्रस्तुत करूँ वहाँ निर्वाचित हो तर निर्वाचित हो सकता शेरबहादुर वहाँ समेटर वहाँ अगड़ी जानू यो नेपाली कांग्रेस पार्टी को जीवन पद्धति में संगठन निर्माण में महत्वपूर्ण पक्ष रहें। कांग्रेस के 13 महाधिवेशन बृहस्पति दिन से शुरू भर रहा है। महाधिवेशन के उद्घाटन खुला मंच में कल जेबा तय तो वन सत्र भिलकुटी मंडप में करवाक व्यवस्था मिलाओल गए। महाधिवेशन में 3200 से बेसी प्रतिनिधि सहभागिता जना रहा है। कांग्रेस महाधिवेशन में भाग लेबला अधिकांश प्रतिनिधि देश तथा विदेश से काठमांडू में आब चुकल जनौलक। नेपाली कांग्रेस 13 महाधिवेशन में अपन महाधिवेशन प्रतिनिधि के 1,02,00,000 रुपया के भोजन के व्यवस्था के न्याय। कांग्रेस फागुन 19 गते से दोपहरे से 23 गते साँझ धरि 1,86,850 रुपया के खाना आ नाश्ता के व्यवस्था अपन प्रतिनिधि सबके लिए कैलक। कांग्रेस के भोजन तथा आवास समिति बुध दिन पार्टी मुख्यालय में पत्रकार सम्मेलन का महाधिवेशन में भाग लेवला प्रतिनिधि आ स्वयंसेवक करीब 3,500 गोटे के बंद सत्र स्थल भिकुटी मंडप में नाश्ता आ खाना खुआल जेबाक व्यवस्था मिलाओल गेल दावी कैलक। नेपाली कांग्रेस के कार्यवाहक सभापति रामचंद्र पौडेल शशांक कोइराला के महामंत्री के रूप में प्रस्तुत करते अपन पैनल घोषणा कैलक। यद्यपि कोषाध्यक्ष पद में एखन केकरो घोषणा नहीं कैल गेल। कार्यवाहक सभापति पौडेल बुध दिन पार्टी मुख्यालय में दर्जन से बेसी केन्द्रीय नेता आ सहयोग कार्यकर्ता सबके उपस्थिति में पैनल घोषणा कने। पौडेल के पैनल में कोषाध्यक्ष के पद एखन खाली है। महामंत्री प्रकाश मान सिंह पौडेल आ कोइराला के उम्मीदवारी घोषणा कने। महामंत्री सिंह के ने घोषणा में केंद्रीय सदस्य डॉक्टर रामशरण महत समर्थन जनौने। कार्यवाहक सभापति पौडेल पार्टी के एक ढिक्का बनाकर संविधान के सफल कार्यान्वयन के लिए नेतृत्व प्रदान कर स्वयं सभापति में उम्मीदवारी घोषणा के बतौलन। ओ पार्टी समक्ष केहनो सुख आ दुख आ कष्ट आयल रही तो स्वयं विचलित नहीं भ काम के ने आ वही आधार में स्वयं सभापति के स्वाभाविक हकदार भेल से दावी कलन। ओ सभापति में निर्वाचित भेली तो पार्टी में गुट उपगुट अंत करवाक से दावी कलन। मैले त्यस्ता बेलामा सङ्घर्ष गरेको छु। पार्टीमाथि प्रजातन्त्रमाथि प्रहार हुँदाखेरिमा मैले त्यसका विरुद्ध आफूलाई उभिएको छु र त्यसका विरुद्धमा जहिले पनि उभिएको छु र आन्दोलन गरेको छु। साथीहरू कति विचलित हुनुभयो, कतिले चाहिँ दुःखका बेलामा सङ्घ प्रजातन्त्रमाथि सङ्कट आइलाग्दा विचलित भएको पनि मैले देखेको छु। तर म कहिल्यै विचलित भइनँ र म कहिल्यै पनि थाकिनँ। कार्यवाहक सभापति पौडेल कतेको नेता सब विचलित भ कहलके उम्मीदवारी के घोषणा केने रहितो अंतिम समय धरि मिलाव के लिए प्रयत्न करब बतौलन। ओ महामंत्री कृष्ण प्रसाद सिटौला आ नेत्री सुजाता कोइराला प्रति लक्षित करैत पार्टी के समक्ष नेता सबके अवसर देव बहुते पद सब खाली रहल कहित सभे के मिला के अगाड़ी बढ़ब स्वयं तैयार रहल बतौलन। कांग्रेस
कार्यक्रममा महामन्त्री के उम्मेदवार डाक्टर शशांक कोइराला पार्टी के एकता बद बनाकर अगाडी बढाबक के क्षमता पौडेल संग मात्र रहल बतौलन। ओ बीपी कोइराला अगाडी घुस्कौने समाजवाद के महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहल कहित समाजवाद के नीति के कार्यान्वयन में लाबस स्वयं महामंत्री पद में उम्मेदवारी घोषणा केने बतौलन। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री कृष्ण प्रसाद सिटौला चर्चित युवा नेता गगन थापा के महामंत्री के उम्मेदवार बनाकर अपन नेतृत्व के पैनल अलगे घोषणा कैलक। महामंत्री सिटौला बुध दिन काठमांडू के 32 पुतली स्थित अनुपम पार्टी पैलेस में संयुक्त कार्यकर्ता के उपस्थिति में पत्रकार सम्मेलन का स्वयं नेतृत्व पैनल घोषणा कैलक। सिटौला अपन पैनल में उमाकांत चौधरी के कोषाध्यक्ष के उम्मीदवार बनौने। चौधरी दू वर्ष पहले के संविधान सभा निर्वाचन में 12 जिला के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 5 में नेकपा एमालेक बलबीर प्रसाद चौधरी संग पराजित नेता। महामंत्री सिटौला काभ्रे दू में सांसद पद में पराजित निवर्तमान पार्टी सभापति श्री प्रसाद हुमा गाई के उद्घोषक तथा काठमांडू कांग्रेस के सभापति में पराजित सांसद भीमसेन दास प्रधान के अतिथि बनाकर 3 सदस्य पैनल घोषणा कने। ओ पार्टी के कतेको नेता सब लगेसी के नाम में पार्टी के परिवार बाद से बाहर जाय नहीं देव खोजला सा स्वयं सभापति में उम्मीदवारी घोषणा कने बतौलन। ओ नेपाली कांग्रेस लिगेसी के नाम में परिवार बाद में कैद होब नहीं सकत बतौलन। ओ कार्यवाहक सभापति रामचंद्र पौडेल आ वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देवा प्रति लक्षित करत पार्टी के नेतृत्व में वर्षों धरि महत्वपूर्ण पद में रहकर थाक चुकल नेता सबके नहीं भ तीव्र गति में काम कर सकवला ऊर्जावान नेता के नेतृत्व में आवश्यक रहल बतौलन। ओ पार्टी में बीतौने वर्ष के आधार में नेतृत्व चयन करबाक बाद अपना अब मान्य नहीं होबाक बतौने छल। मैले यति वर्ष काम गरे मलाई पद पाइन भनेर गुनासो गर्ने बेला होइन काङ्ग्रेस यति बेला काङ्ग्रेस के दिन सक्छ जनतालाई भन्ने प्रश्न यति बेला दुनियाँले हेरेको यो हो। बिपी कोइराला आफ्ना लागि बन्नु भएन, गणेश मानजीले आफ्ना लागि पद खोज्नु भएन, गिरिजा प्रसाद कोइरालाले आफ्ना लागि गणतन्त्र घोषणा गर्नु भएन, ग्यालेन्डरलाई बाहिर पठाउनु भएन, राष्ट्रको चाहनालाई सम्बोधन गरेर अगाडि जानु त्यसको लिगेसीको कुरा गर्ने अनि आज हामीवाला संस्थापनको कुरा हो जाने अर्को बाटो गयो भन्ने कसैलाई अधिकार छैन। जो जति सभापतिका उम्मेदवार हुन्छौँ, जो जति महामन्त्रीको सदस्य उम्मेदवार हुन्छौँ, सबै काङ्ग्रेस हौ। मेरो दावा छ यही पुस्ता हो, यही पुस्ता हो जसले त्यसले हाँक्न सक्छ काङ्ग्रेस भयो। काङ्ग्रेस लिगेसीको नाममा कसैको परिवार कुनै परिवारमा कैद हुन सक्दैन। परिवार कैद निकालेको छ काङ्ग्रेसले साथसाथै क्रान्तिमा देशलाई बुझ्न सक्नुपर्छ हामीले यो कुरा। सिटौला के मधेश विरोधी के पहचान के कारण कोनो पैनल ओकरा सम्मानजनक पद में उम्मीदवार नहीं बनाबा चाहला के बाद वो अलगे उम्मीदवारी घोषणा करे। कार्यक्रम में महामंत्री के उम्मीदवार गगन थापा पहलका पुस्ता के नेता द्वय पौडेल आ देवबा विश्राम लेब नहीं मानला से युवा सब के भावना अनुसार काम कर दोसर पुस्ता के नेता सिटौला के सभापति के रूप में अगाड़ी घुसकौने बतौलन। वो महामंत्री में अपन उम्मीदवारी के पार्टी के कतेको नेता सब उमेर नहीं पहुँचल आ जल्दबाजी केने कहकर मजाक केने प्रति आक्रोश व्यक्त करे। पार्टीक संस्थापक नेता बीपी कोइराला 32 वर्ष के उमेर में राणा प्रधानमंत्री मोहन शमशेर संग सवाल जवाब केने इतिहास नहीं बिर्स सब क्यों के स्मरण केने छल। ओ स्वयं में बीपी कोइराला के खून नहीं भ बीपी के विचार दौड़ रहल कहित बीपी के विचार अनुसार पार्टी के नया ऊंचाई में पहुँचाब महामंत्री में उम्मीदवारी घोषणा केने बतौलन। मेरो नसामा बिपी कोइरालाको रगत बगेको छैन, तर मेरो नसामा बिपी कोइरालाको विचार बगेको छ। म बिपी कोइरालाको आदर्श बोकेर बाँचेको छु, म त्यो बिपी कोइरालालाई सम्झन्छु। म त 39 वर्ष पुगेँ, म 32-33 वर्षको त्यो बिपी कोइरालालाई सम्झन्छु जसले मोहन शमशेरको अगाडि उभिएर भन्नुभयो। जतिखेर मोहन शमशेरले भने गाथ गद्दी नताक बाबु तिम्रो ओठ निचार्दा दुध आउँछ भनेर भन्दै गर्दा महाराज पुरपुरमा लेखेर शासन गर्ने दिन गए भनेर भनेको बिपी कोइरालाले कसले भन्छ हाम्रो उमेर पुगेको छैन भनेर हामी त्यो बिपीका अनुयायी हौ। गगन थापाके ससुर देउबा खेमासा महामन्त्रीके उम्मेदवार छ। सिटौलाके प्यानलके संस्थापन पक्षके तोरालेल आ पराजित करालेल उम्मेदवारी देल गेल सेहो कतेको नेता सबके दाबी छ। थापा एखन देश में 62% मतदाता 40 वर्ष से कम उमेर के रहल कहित महाधिवेशन में युवा पुस्ता पराजित भेल तो कांग्रेस के महाधिवेशन प्रतिनिधि समक्ष आब आवा वाला स्थानीय निकाय के निर्वाचन में युवा उमेर के अपन उम्मीदवार के वोट मांग के अधिकार नहीं होबाक दावी कलन।
पत्रकार सम्मेलन में कोषाध्यक्ष के उम्मीदवार उमाकांत चौधरी पार्टी में गुट उपगुट तथा 60 आ 40 के भाग बंटा अंत्य के लिए अलगे पैनल घोषणा करा पड़ल दावी कने छल। नेपाली कांग्रेसक कार्यवाहक सभापति रामचंद्र पौडेल के टीम में नहीं पड़ के पक्का पक्की भेलाक बाद सभापति में उम्मीदवारी घोषणा केने केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइराला अपन उम्मीदवारी कोनो हालत में फिरता नहीं हेबाक दावी कलिए। केन्द्रीय सदस्य कोइराला बुध दिन काठमांडू के मंडी खटार स्थित अपने निवास में पत्रकार सम्मेलन कर अपन बार्गेनिंग के नाम में नहीं भ निर्वाचन लड़क के लिए उम्मीदवारी घोषणा भेल कहित स्वयं कोनो हालत में ब्याक नहीं हेबाक बतौली। वो कार्यवाहक सभापति रामचंद्र पौडेल प्रति लक्षित करते पार्टी के कतेको नेता सब अपना के राजनीति से अलग राख खोजला के कारण उम्मीदवारी फिरता नहीं लेबाक अठोट रखने बतौली। वो सभापति पद में स्वयं जीत हासिल करबाक दावी से होकेली गरी सकेको छु र मेरो उम्मेदवारीलाई म अहिले जुन घोषणा गरेछु त्यो यथावतै छ। म ब्याक हुन्न, अरू ब्याक हुनुपर्छ, म ब्याक हुन्न, अरू ब्याक हुनुहुन्छ, म ब्याक भइसकेको छु। आज किन म माथि अत्याचार गरिएको छ, किन मलाई कुनै ठाउँ दिएको छैन, कहीँ दिएको छैन, जहिले पनि एउटा यस्तो षड्यन्त्र हुन्छ कि कसरी मलाई राजनीतिबाट बाहिर राख्ने, कति मान्छेले सहन्छ भन्नुहोस् त, कति सहन्छ। त्यसैले म मेरो उम्मेदवारी छोड्दिनँ, म उम्मेदवारी दिन्छु र म जित्छु। ओ गलत प्रवृत्ति के नेता सबके पार्टी से बाहर नहीं पठाओल गेल त देश में स्थिरता विकास हो बने सकबाक बदौली। नेपाली कांग्रेसक सभापति सुशील कोइरालाक देहांत के बाद महाधिवेशन से नया नेतृत्वक लेल संस्थापन पक्ष तीन तीन गोटे नेता पैनल उम्मेदवारी घोषणा कलक। सुशील कोइरालाक देहांत हो तो एक ढिक्का रहित आयल संस्थापन पक्ष छिन्न भिन्न भेल। देवातिरिक्त संस्थापन पक्ष मात्र रामचंद्र पौडेल, सुजाता कोइराला आ कृष्ण प्रसाद सिटौला सभापति में ले रहल छथि। जनकपुरक सर्वसाधारण सबसे पूछने छलौ नेपाली कांग्रेसक नेतृत्व में आब एकत्रित नहीं भ संस्थापन पक्ष तीन तीन गोटे के उम्मीदवारी हैब अपने सबके केहन लगैया अहाँक बात जहिना तहिना। सुजाता कोइराला भी पद पा चुकल छ, लेकिन उस की कल जनता के अगाड़ी में उस सब जनता बुझ चुकल है। अब अहाँ के रामचंद्र पौडेल जी के पाल देव चाहिए कि रामचंद्र पौडेल जी देश के लागी की कह सकिए, वही संदर्भ में देश के बारे में की सोच सकिए, कम से कम एकरो एक बार मौका दियो। अ लगे से मतलब राम पौडेल जी की कर हमारे देश में से एक बार देखो मौका देखने के नेतृत्व चयन कर के व्यवस्थापन पक्ष हो या चाहे मतलब कि अन्य पक्ष हो, नेपाली कांग्रेस एकटा पार्टी है। आब में तीन गो के चारो गो उठ सकैए, पाँचो टा उठ सकैए, सबके अपन अपन व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र के बात है। आब में कोनो असर पड़े के हमरा अपना तरीका से कहब तो में कोनो असर नहीं, पाँचोटा कैंडिडेट खड़ा हो सके। अहाँ के शेर बाबू दुबा भेल, रामचंद्र पौडेल भेल, सुजाता कोइराला भेल, सब अपना पक्षधर मजबूत बनाबे के लिए उस उम्मीदवारी दौ रहा है। अपन मन जे स्वार्थ पूरा करे के लिए मात्र जनता के नहीं चाहिए कर, जनता के नहीं जना आंदोलन जनक कोनो भेले ओहि सबके नहीं देख कर अपन अपन पार्टी के मजबूत बनाबे के लिए मात्र प्रयास कर रहा है। उसब ओकरा सबके बनल रखे रहा है, बुझलिए, ओकरा सबके जाकर रामचंद्र पौडेल जीत गए थे, महज अहाँ के सुजाता कोइराला जीत सकैए, शेरबा दुबा जीत सकैए, आई अहाँ के तराई के आदमी जीत नहीं सकैए, कैला तो उम्मीदवार नहीं, उम्मीदवार जो कर जाके जाकर उम्मीदवार नहीं है, वो अकरा सबके अपना मात्र मालिक कह के मात्र आदत है, मालिक कहब के क्षमता नहीं। सरकार शहीद के संख्या थप के लगे मंत्री परिषद के बुध दिन सिंहदरबार में बैसल बैसार से शहीद के संख्या थप कल गए। बैसार से निरंकुश शासन विरुद्ध संघर्ष करे के क्रम में अपन शहादत देने कहित दुर्गानंद झा के सेहो शहीद घोषणा कल गए। हुनका संगे बुध दिन 22 गोटे के शहीद घोषणा कल गए। सरकार डडेलधुरा के भीमदत्त पंत, ननसा के दुर्गानंद झा, गुलमी के शमशेर बहादुर खत्री, झापा के रामनाथ दहाल लगायत के 22 गोटे के शहीद घोषणा के सूचना तथा संचार मंत्री शेरधन राय बतौलन। परिषद को उपाध्यक्ष में माधव ढंगेललाई नियुक्त बमोजिम का व्यक्तित्वलाई शहीद घोषणा करने निर्णय गर्दछ भनेर क्रमशः भीमदत्त पत्त पंत डडेलधुरा दुर्गानंद जात धनुषा
शमशेर बहादुर खत्री गुल्मी, रामनाथ दाल झापा, नेत्र घिमिरे झापा, वीरेन राजवंशी झापा, कृष्ण कुइकेल झापा, नारायण प्रसाद श्रेष्ठ झापा, कैप्टन रेगेबहादुर थापा ओखलढुंगा, भीमनारायण श्रेष्ठ धनकुटा, राम उपाध्याय सिराहा, लक्ष्मण उपाध्याय सिराहा, लीलानाथ दाहाल ओखलढुंगा, ठगीनाथ दाहाल ओखलढुंगा, खगेन्द्र राज दाहाल ओखलढुंगा, गोकर्ण बहादुर कार्की ओखलढुंगा, रत्न। देश में अखन सरकार सहित घोषणा कचुकल के संख्या से हो करीब 9000 है। मंत्री परिषद के बैसार से थप सहित सब के पहचान कर उप प्रधानमंत्री भीम रावल के संयोजकत्व में 5 सदस्य समिति गठन केने छल। सरकार टिम्बू बोटे पिस्कर लगायत घटना में जान गुमौने सबके नाम पहचान कक सहित घोषणा के लिए सिफारिश कर रावल के संयोजकत्व में उप प्रधानमंत्री तथा सहकारी मंत्री चित्रबहादुर केसी, गृहमंत्री शक्ति बस्नेत, भूमि सुधार मंत्री राम कुमार सुब्बा, सिंचाई मंत्री उमेश यादव सदस्य रह जका समिति गठन केने छल। करीब 6 महीना के ऐतिहासिक मधेश आंदोलन के क्रम में मधेशी जनता गोली खाक मर रहल समय घुरो कने तकने सरकारी आ संवैधानिक निकाय सब एखन मधेशक मुख्य शहर सब में विभिन्न बैनर में कार्यक्रम का मधेशी जनता के सांत्वना बांट के काज कर रहा है। मुदा हुनका सबके कार्यक्रम में सहभागी भेल मधेशी जनता सब से सहकार्य आ सहयोग भेट के बदला आक्रोश आ उपराग मात्रे हाथ लाग रहा है। एक रिपोर्ट। करीब 6 महीनाक ऐतिहासिक मधेश आंदोलन के क्रम में मधेशी जनता गोली खा कर मर रहल समय घुरो के नितकने सरकारी आ संवैधानिक निकाय सब एखन मधेश के मुख्य शहर सब में विभिन्न बैनर में कार्यक्रम का सांत्वना बांट के काज कर रहल है। मुदा हुनका सबके कार्यक्रम में सहभागी भेल मधेशी जनता सब से हुनका सबके सहकार्य आ सहयोग के बदला आक्रोश आ उपराग मात्रे भेट रहल है। अहू से बुझाइत है जे मधेशी जनता में कते दुख पीड़ा उपराग आ आक्रोश है। कार्यक्रम कर आबे वाला प्रतिनिधि सब मधेशक जनता के आक्रोश आ उपराग सुन के चुप भ बैस के बदला और किछ कर नहीं सक रहा है। एहने किछ देख में आयल बुध दिन सत्य निरूपम तथा मेल मिलाप आयोग द्वारा जनकपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में आयोगक सदस्य मधेशी महिला मंचला झा कार्यक्रम के शुरुआत में आयोग गठनक उद्देश्य आ प्रतिबद्धता के विषय में जोरदार रूप से बजत काम क सत्य तथ्य रिपोर्ट सरकार के बुझाब दावी केने चली। निरूपण अर्थात सत्य निरूपण के यो आयोग ने गर्नु पर्ने काम के त सत्य तथ्य पता लगाउनु। यो आयोग को सबभन्दा ठूलो म्यान्डेट हो जसमा एन को दफा 13 ले पनि काम कर्तव्य र अधिकारमा हामीलाई सत्य तथ्य अन्वेषण गर्ने, छानबिन गर्ने, अभिलेखन गर्ने र समाज समक्ष त्यो सत्यलाई उद्घाटित गर्ने काम पनि यही आयोगको हो। सदस्य झा अपन बात रखला के बाद सहभागी सबसँग सहयोग सुझाव आ मार्गदर्शनक लेल फ्लोर ओपन की कैली। हुनकर आयोग ऊपर उपराग आ शंका उपशंका के बरसात सहभागी के दिस होवे लागल। हो भन्ने तपाईको अधिकार छ भने अहिले जुन आन्दोलन जारी छ त्यसलाई रोक्न सक्नुहुन्छ मात्र तपाईको सफलता हुन्छ। त्यो त 10 वर्ष बितिसक्यो, धेरैले यो मखम तिर लगाइसके, परिपूर्ण पाइसके, क्षतिपूर्ति पाइसके, यो खाली एउटा ताक देखाउने कुरा मात्रै हुन्। त्यसैले हामी धनसावासीको के भनाइ छ भने तपाईले गर्न लाग्नु भएको कुरा राम्रो हो, तर यो शान्ति समितिसँग तपाईँले सहकार्य गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। जिल्लाको क्षेत्रमा जिल्लाको हकमा म केन्द्रको कुरा गर्दिनँ। सरकारलाई गाइड गर्ने सरकार राज्यको संयन्त्रले कहाँ कहाँ मिस्टेक गरिरहेको छ, कहाँ कहाँ उल्लङ्घन गरिरहेको छ कानुनलाई, कहाँ कहाँ तोड्दैछ त्यसलाई चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने हो। संवैधानिक निकायको अर्थै त्यही। तर देशको कुरा गरौँ भने संवैधानिक निकाय विशुद्ध रूपमा चाहिँ चाहे राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग होस् या विद्यार्थी प्रबन्धन सम्मान आयोग होस् सहभागी सब आयोग के नाउए में आंगुर उठवैत मेल मिलाप के अर्थ पीरक आ पीड़ित बीच बात मिलाकर पीरक के गंभीर सजाई से बचाव के प्रपंच रहल आरोप लगौलन। धनसाक 5 गोटे युवा के नियंत्रण में ल हत्या कैने तत्कालीन प्रहरी प्रमुख कुबेर सिंह राणा दोषी साबित भ चुकल रहितो सजाई के बदला राज्य से ओकरा प्रमोशन भेटनाई बड़का विडम्बना रहल आरोप सहभागी सबके छल। जुन सत्तामा बस्ने जुन यहाँ गल्ती गर्ने दमन गर्ने त्यसमाथि जब उचुलित अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा दर्ता हुन्छ दोषी पाउँछ अब त्यहाँ के हुनुहुन्छ खास गरेर मेल मिलाप आयोग माध्यमको हिसाबले क्षमादान प्रयोग गर्छ त्यहाँ। अब क्षमादानको कुरा आउँदाखेरि क्या हुन्छ त त्यो जति मुद्दा आयो पछि त्यो क्षमादानमा आयो, क्षमादानमा आइसकेपछि त्यो दो गरे त्यो के भन्छ दण्ड सजाय जुन हुन्छ नि त्यो गर्न पाउँदैन। किछु कार्यकर्ता अपनाके प्रमाणित गरे कोही भी अहाँके जनता हम अहाँ सबगोटे साथ छी से हम श्वास राखू बी बोल्ड बोल्ड के गवर्नमेंट कहाँ चाहे जे पढ़े प्रसन्न पढ़े कि बाबूराम पढ़े कि ओली पढ़े अथवा केओ पढ़े हुनका जो लिख पढ़े लिखियो कोनो बात फिर आगे नहीं जाए नहीं जाए
हमर व्यक्ति हमर नागरिक नहीं जाते जाए, लेकिन बोल्डनेस कम से कम देखा जाए से हम देख रहा हूँ कारण कि अच्छा आगे बैठल होती सिफारिश कमिट लागू नहीं करे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कहल जाए तीसरे टाइप आयोग में सदस्यक रूप में मदेशी महिला पढ़नाई सकारात्मक रहल रहितो मदेश में भेल गंभीर घटनाक विषय में कड़ा रूप में प्रस्तुत हैब ताहि बात में शंका रहल सहभागी सब सदस्य झा के सुनौने छल। आयोग में सेहो मुख्य दलक भागबंटाक आधार में सदस्य आ पदाधिकारी नियुक्त कयल जा रहला सा आयोगक पदाधिकारी सब सेहो दलीय स्वार्थ से ऊपर उठि का काज कर नहीं सक रहल आ जाहि कारण से संवैधानिक निकाय सहित अदालत सब से सेहो जनताक विश्वास उठि रहल आरोप सहभागी सब के छल। सभाक उपराग सुनि कर चिंता में पड़ल सदस्य झा स्वयं संतोषजनक काम कर नहीं सकब आ बाधा अवरोध कतौ से हैत त राजीनामा देवाक धर के घोषणा कर सफल भेली। 2071 माघ महीना में गठन भेल आयोग के दू वर्ष भीतर 2052 से 2063 दस वर्ष धर के गंभीर घटनाक संबंध में सत्य तथ्य जांच बुझ कर प्रतिवेदन पेश कर के समय सीमा सरकार तोकने वही दू वर्ष मध्य एक वर्ष बीत गेलाक बाद आयोग जनकपुर में पहिल बेर अपन बैनर में कोनो कार्यक्रम कयने अछि। आब अहू सब बुझाइत अछि जे बाकी एक वर्ष में आब आयोग की करत। अपन टेलीविजनक लेल पूरन शाह जनकपुर धाम जीविषा धनुषा में आगामी आर्थिक वर्ष के लेल विषयगत प्रस्तुति करब ताई के लेल बजाओल गेल सरकारी कार्यालय के प्रतिनिधि सब सहभागी नहीं भेला सा सरकारी कामकाज कतेक उदासीनतापूर्वक भ रहल से बात स्पष्ट भेल अछि। स्थानीय निकाय में होबयवला विकास निर्माण से सरोकार राखयवला सरकारी कार्यालय सब आगामी आर्थिक वर्ष के लेल प्रस्तावित कार्यक्रम सब जीविषा में प्रस्तुत करके परिपाटी रहल अछि। विकास निर्माण संघ सरोकार राखयवला 41 सरकारी कार्यालय सबके सहभागी पत्राचार कयल गेल छल। सहभागिता के लिए पत्राचार कयल गेल छल मुदा बुध दिन जीविषा धनुषाक सभा हॉल में 12 सरकारी कार्यालय के प्रस्तुत कयल गेल में 5 कार्यालय के प्रतिनिधि सब अनुपस्थित रहल। उपस्थित भेल सरकारी कार्यालय के प्रतिनिधि सब व्यवस्थित रूप में प्रस्तुति कर नहीं सकल। प्रस्तावित कार्यक्रम सब के अतिरिक्त कापी समेत छुटाओल गेल छल जाहि के कारण धनुषाक प्रमुख जिला अधिकारी से लक राजनीतिक दलक प्रतिनिधि सब कार्यालय प्रमुख सब के बजाब पहुँचल छल। एकीकृत माओवादी के सांसद प्रतीक सातिवारी सरकारी कार्यालय के प्रमुख सब के उदासीनता से सरकारी कामकाज स्पष्ट भेल दावी कले के बीच में किस नहीं मतलब विकास भेल छै आर जे छै पचा धकेल जेतै। हमरा ई आग्रह करय चाहब जे जतय छी जुन कार्य लेने छी अपन अपन जिम्मेदारी प्रति गंभीर हो अपन अपन कार्य प्रति केना का प्रभावकारिता होतै केना जनता जे छै सुख सुविधा से रहतै। धनुषाक स्थानीय विकास अधिकारी रामकृष्ण उप्रेती कार्यालय के प्रतिनिधि सब समय में उपस्थित नहीं भेनाय कागजात दुरुस्त का प्रस्तुति नहीं केनाय दुखद रहल बतौलन। ओ 6 धरि के आंदोलन से कार्यालय से पूर्ण रूप में ट्रैक में आब किछ समय लागत बतौलन। वहाँ को कार्यक्रम में अप्ठारो पर्न पर्ने विषय हो अब हमें फोन मार्फत भी धेरे प्रयास कर संपर्क लियाला अभी कतिपय को अब यह तैयारी को क्रम नपुगे रतिपय को मोडल चेंज जस्तो केन्द्रबाट सिधै आउने यहाँबाट चाहिँ तयार गरेर लाँदाखेरि कुनै पनि बन्दहरूको प्रभाव पनि परिरहेको छ र कार्यालयहरू सबै करिब करिब सबै अव्यवस्थित नै थिए र फागुन महिनाभित्र हामीले परिषद सकिसक्नुपर्ने अवस्था रहेको छ र यो क्रममा हामीले छोटो सूचनाको आधारमा उहाँहरूलाई विषयगत कार्यालयको सबै प्रस्तुतिहरू भइसकेको छ विषयगत समितिहरूको त्यही क्रममा उहाँहरूलाई हामीले अलिक व्यवस्थित भएर आउनुहोस् है। धनुषामै 80 सरकारी कार्यालय सबै छ। विकास निर्माण संघ सरोकार राखयवला सरकारी कार्यालय सब प्रत्येक वर्ष प्रस्तावित कार्यक्रम के रूपरेखा तैयार कर प्रस्तुत कर के परंपरा है मुदा राजनीतिक दलक आलोचना समेत सह के क्षमता नहीं रखने सरकारी कार्यालय के प्रतिनिधि सब प्रस्तुति में सहभागी होब के हिम्मत नहीं कलक न उ सब व्यवस्थित रूप में प्रस्तुति क प्रतिनिधि सब के पढ़ाव सक्षम रहल। नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा 13 महाधिवेशन में अपन प्रतिस्पर्धी रहल कार्यवाहक सभापति रामचंद्र पौडेल ऊपर पार्टी विभाजन कर मुख्य भूमिका निर्वाह केने आरोप लगौलक अछि। 13 महाधिवेशन शुरू होब से एक दिन आगू वरिष्ठ नेता देउवा कार्यवाहक सभापति पौडेल ऊपर पार्टी विभाजन कर मुख्य भूमिका खेलने आरोप लगौलक अछि। वरिष्ठ नेता देउवा बुध दिन काठमांडू के एकटा पार्टी पैलेस में महिला कार्यकर्ता समक्ष अपना के पार्टी के साधारण सदस्य समेत से निकालल गेल अवस्था में पौडेल तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजा प्रसाद कोइराला के दास
बन नहीं सकब कहीं का पार्टी विभाजन कर अपना के उकास के काज कने आरोप लगौलन। ओ निर्दलीय व्यवस्था में केना के अपना के साधारण सदस्य समेत नहीं रह जका निकालल गेल कारण कार्यवाही फिरता लेबक लेल दबाव देव बैसार बजौनाए अपन बाध्यता भेल सुनौने छल। विक्रम संबत 2059 साल में संकट काल लागू करे के विषय के लक भेल विवाद उग्र रूप लेला पर नेपाली कांग्रेस विभाजन भेल छल। वरिष्ठ नेता देवा पौडेल तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजा प्रसाद कोराला के मनोमानी सहर नहीं सकब कहित उहे सभापति होब जका पार्टी विभाजन कर लगौने मुदा अंतिम समय में ओ धोखा दिलाक बाद स्वयं सभापति बनिक निर्वाचन आयोग में दल दर्ता करौने बतौलन। ओ महिला दलित जनजाति लगायत के हक हित के लिए पार्टी में स्वयं सबसे बहुत काम केने कहित पार्टी के संरचना सब महिला मैत्री बनेबाक प्रतिबद्धता सहित महिला कार्यकर्ता भेला से बहरायल छला। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के कार्गो में पुलिस के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो CIB छापा मारला पर हथियार बरामद कैल गेल। विदेश से शंकास्पद वस्तु आयल कहिक विशेष सूचना के आधार में बुध दिन त्रिभुवन विमानस्थल के कार्गो में छापा मारला के बाद CIB के टोली हथियार बरामद कैलक। उ हथियार यूरोपियन देश से नेपाल लाओल गेल CIB स्रोत के दावे है। कौन हथियार है आ कौन देश से पठाओल गेल विषय में अनुसंधान कैल जा रहा CIB जनौलक। नेपाल पत्रकार महासंघ नया संविधान अख्तियार कने संघीय ढांचा संग मेल खाए जाकर संविधान विधान संशोधन कर लागल कहित देशभर के पत्रकार सब संग सुझाव मंगने है। संगठनात्मक पुनर्संरचना सहित नया विधान मस्यौदा बन के चरण में रहल कहित महासंघ फागुन महीना भीतर महासंघ के केंद्रीय कार्यालय संचार ग्राम में सुझाव पठाव पत्रकार सबके आग्रह कने है। महासंघ के संगठनात्मक ढांचा केंद्र प्रदेश आ जिला प्रतिष्ठान आ वैदेशिक एसोसिएट के अधिकार क्षेत्र तथा कर्तव्य के सूची निर्वाचन प्रणाली केंद्र प्रदेश आ स्थानीय तह के कार्य समिति के संरचना संख्या एवं विधान विद्यमान विधान में संशोधन तथा थप घट करा प्रभाक विषय सब में केंद्रित भ सुझाव मांगल गेल महासंघ के सचिव ध्रुव लमसाल बतौलक। चितवन राष्ट्रीय निकुंज एकटा गैरा के बर्दिया निकुंज में स्थानांतरण कैलक। वन मंत्रालय के 2071 साल के पुष 30 गते के निर्णय अनुसार चितवन राष्ट्रीय निकुंज के एकटा व्यस्क भाले गैरा के बुध दिन बर्दिया निकुंज में स्थानांतरण कैल गेल। प्राविधिक सब के टोली मंगल दिन 8 घंटा लगाकर बरामद केने गैरा के दवाई के माध्यम से बेहोश कर स्पेल में राख इसका भेटर के माध्यम से ट्रक में पहुँचा कर 12 घंटा के यात्रा पश्चात बुध दिन भोर में बर्दिया निकुंज में स्थानांतरण के काज सफल कैलक। आप बिजनेस न्यूज सरकार नेपाल राष्ट्र बैंक के डेपुटी गवर्नर में चिंतामणि शिवाकोटी आ शिवराज श्रेष्ठ के नियुक्त कैलक। मंत्री परिषद के बुध दिन सिंहदरबार में बैसल बैसार से शिवाकोटी आ श्रेष्ठ के डेपुटी गवर्नर में नियुक्त करबाक निर्णय कैलक। सरकार डेपुटी गवर्नर में नियुक्ति के निर्णय केने शिवाकोटी सत्तारूढ़ MLA तथा श्रेष्ठ मुख्य प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस समर्थित कर्मचारी छथि। एखन शिवाकोटी मुद्रा व्यवस्थापन विभाग तथा श्रेष्ठ मानव स्रोत व्यवस्थापन विभाग के कार्यकारी निर्देशक के रूप में काज करैत आयल छथि। नेपाल राष्ट्र बैंक के 15 गोटे कार्यकारी निर्देशक मध्य वरिष्ठताक आधार में श्रेष्ठ 5 तथा शिवाकोटी 11 नंबर में रहल रही तो सरकार शिवाकोटी के वरिष्ठ डेपुटी गवर्नर में नियुक्ति कैलक। गवर्नर डॉक्टर चिरंजीवी नेपाल शुरू में केने सिफारिश में श्रेष्ठ के नाम नहीं छल। गवर्नर डॉक्टर नेपाल डेपुटी गवर्नर के रूप में शुरू में शिवाकोटी त्रिलोचन पंगेनी नारायण प्रसाद पौडेल आ शिवनाथ पांडे के नाम सिफारिश केने छल। सरकार सत्तारूढ़ नेकपा एमाले एक वैकल्पिक केंद्रीय सदस्य माधव ढुंगेल के युवा परिषद के उपाध्यक्ष में सेहो नियुक्त कैलक।
आब इन्टरनेसनल न्यूज। इंडोनेशिया में आई साँझ में 7.9 मैग्नीट्यूड के शक्तिशाली भूकंप के धक्का महसूस कल गए। सुमात्रा प्रायद्वीप में गेल भूकंप पश्चात पश्चिम आ उत्तर सुमात्रा तथा आचे क्षेत्र में सुनामी आवश्यक बाक चेतावनी जनता के दल गए। अमेरिका में नवंबर 8 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेट के दिस हिलारी क्लिंटन आ रिपब्लिकन दिस डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदवार होबाक पक्का पक्की भेल। स्थानीय समय अनुसार मंगल दिन 11 राज्य में भेल दुनू पार्टी के दिस राष्ट्रपति के उम्मीदवार चयन कर कैल गेल मतदान में क्लिंटन आ ट्रंप अगाड़ी देखल गेल। क्लिंटन 11 मध्य 7 स्थान में विजय हासिल कैल हनक निकटतम प्रतिद्वंदी बर्नी सैंडर्स 4 स्थान में मात्र जीत हाथ पार सफल भेल। उम्हर रिपब्लिकन दिस से ट्रंप 7 स्थान में जीत दर्ज कैने त हनक प्रतिद्वंदी टेड क्रूज 2 स्थान में मात्र जीत हासिल कर सफल भेल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। होलिका दहन के दिन सभासद सब के पुतला दहन करबाक मधेसी मोर्चा के निर्णय। चैत के अंतिम में फिर से आंदोलन शुरू हैत सद्भावना के सह अध्यक्ष कर्ण के कहब। नेपाल आयल बिहारक मुख्यमंत्री नीतीश द्वारा मधेस आंदोलन आनाकाबंदी के विषय में बातचीत प्रचंड से भेल भेटघाट। नेपाली कांग्रेसक महाधिवेशन के संपूर्ण तैयारी पूरा भेल पार्टी के कहब काल्हि से काठमांडू कांग्रेसमय। कोषाध्यक्ष खाली राखि के पोडेल के पैनल भेल घोषणा शशांक कोइराला महामंत्री के उम्मीदवार। आ इंडोनेशिया में 7.9 रेक्टर स्केल के महाभूकंप के धक्का महसूस कैल गेल सुनामी के दल गेल चेतावनी। अपन न्यूज एखन के लिए एतबे पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रह नमस्कार।